तो हेलो भाई लोग और भाई लोग की बहन लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ MP40 और थॉमसन के गन के बारे में। तो जब से थॉमसन हमारी अपडेट में आया ना भाई, और MP40 और थॉमसन के बीच में इस टाइम से काफ़ी ज़्यादा वर्सेस चल रहा है। तो आज फैसला हो ही जाए भाई कि कौन सी गन बेस्ट है आपके लिए, कौन सी गन बेस्ट रहेगी। तो यार उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यार दोनों ही गन अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो और वीडियो लास्ट होते होते तक आप समझ जाओगे यार कि किस सिचुएशन में मुझे कौन सी गन हैंडल करनी चाहिए और कौन सी गन बेस्ट है मेरे लिए किस सिचुएशन में। और यार बुया लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है लास्ट जोन्स में। तो यार उससे पहले आप कुछ थॉमसन की क्लिप्स चेकआउट करो। तो यार आप इन क्लिप्स को ध्यान से चेकआउट करना, आप इन क्लिप्स को ध्यान से देखो कि अगर एनिमी उतनी ज़्यादा लॉन्ग रेंज में है या फिर शॉर्ट रेंज में है या फिर लॉन्ग रेंज में है या फिर मिड रेंज में है, तो यार गोलियां काफ़ी ज़्यादा स्टेबल तरीके से लगती है, गोलियों का स्प्रेड उतना ज़्यादा नहीं होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो इतना ज़्यादा लॉन्ग रेंज में एनिमी होने के बावजूद गोलियाँ कितनी अच्छे से कनेक्ट हो पा रही हैं उन लोगों पर। तो ये थॉमसन की यार स्पेशलिटी है, इसका गोली स्प्रेड नहीं करता है, इसकी बुलेट स्प्रेड नहीं करती है ज़्यादा। और यार इस गन को कद्दू फर्क नहीं पड़ता है कि एनिमी कितने रेंज में है, लॉन्ग रेंज भी संभाल लेंगे भैया, मिड रेंज भी संभाल लेंगे। और ऑन द अदर हैंड ये तो हो गई थॉमसन की क्लिप। अगर मैं MP40 की बात करूँ तो आप MP40 की इन सारी क्लिप्स को चेकआउट करो, ये MP40 की है। तो आप इन क्लिप्स में आप ध्यान से देखो, एनिमी मेरे इतने ज़्यादा क्लोज रेंज में है और मेरी गोलियाँ कितनी प्रॉपर तरीके से चिपक रही है भाई। आप देख सकते हो मेरी जो बुलेट्स है बिना डॉज किए हुए कितनी अच्छी तरह से एनिमी से चिपक रही हैं, आप इन क्लिप्स में उन सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो यार एक तरह से मैं MP40 को क्लोज रेंज बीस्ट गन बोल सकता हूँ, क्योंकि यार ये वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट किलिंग वेपन में आ सकता है भाई, इसकी इतनी पावर है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर एनिमी शॉर्ट रेंज में या फिर क्लोज रेंज में हो, अगर एनिमी थोड़ी सी लॉन्ग रेंज में चला जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई टट्टी निकल जाता है MP40 का, आप इस तरह से कह सकते हो यार। MP40 भाई अगर आप एनिमी थोड़ी सी मिड रेंज में है तो भाई कोई इज्जत नहीं है भाई MP40 की, मगर अगर एनिमी क्लोज रेंज में है तो यार बीस्ट गन मैं इसे बोल सकता हूँ। तो यार MP40 की यही डिसएडवांटेज है कि ये लॉन्ग रेंज थोड़ा सा नहीं संभाल पाता है, थोड़ा क्या यार संभाल ही नहीं पाता है। और आप क्लोज रेंज देख सकते हो यार कितना ज़्यादा, कितनी OP गन है ये। तो यार अगर मैं बात करूँ फाइनल कंक्लूजन की, तो आप इसे इस तरह से समझो कि अगर आप लास्ट जोन्स में से एक में हो तब आपको बेशक MP40 उठा लेनी चाहिए, क्योंकि वो मतलब क्लोज रेंज बीस्ट गन है भाई। और अगर सपोज़ आपके पास कोई सा भी लॉन्ग रेंज वेपन नहीं है और अगर आपके पास सिर्फ ऑप्शन है थॉमसन और MP40 का, तो यार ऑलवेज प्रेफर थॉमसन, क्योंकि यार वो मिड रेंज और लॉन्ग रेंज तो आपका संभालेगा ही, साथ ही साथ क्लोज रेंज भी संभाल लेगा। और MP40 की जो बुलेट्स है वो स्प्रेड ज़्यादा हो जाती है लॉन्ग रेंज में, तो यार लॉन्ग रेंज में आपकी मदद MP40 बेशक नहीं कर पाएगा। मगर अगर आप ऑन द अदर हैंड थॉमसन गन की बात करो, तो यार वो मिड रेंज, क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज अच्छी तरह से संभाल लेता है भाई। तो अगर आप सिंपली इसे आप इस तरह से समझो, अगर आप लास्ट जोन्स में हो तब आप बेशक MP40 उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लास्ट जोन्स में से नहीं हो और आपके पास लॉन्ग रेंज गन और शॉर्ट रेंज गन का कोई कॉम्बो नहीं है और आपको थॉमसन गन दिखता है, तो भाई बेशक आपको थॉमसन उठा लेनी चाहिए, क्योंकि थॉमसन गन आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है उस टाइम पे, क्योंकि आप जानते हो MP40 इज़ बीस्ट इन क्लोज रेंज, मगर थॉमसन गन जो है वो भैया ऑलराउंडर गन है, वो हर तरह से आपकी मदद कर सकता है, शॉर्ट रेंज हो, मिड रेंज हो या लॉन्ग रेंज हो। तो यार ये थी MP40 की सारी एडवांटेज डिसएडवांटेज।
थॉमसन की एडवांटेज और या डिसएडवांटेज तो मैं बोल नहीं सकता हूँ उसको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और यार सब्सक्राइब कर दो, उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और आपका एक एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और यार एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना भाई, कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का पढ़ना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय भाई लोग।